हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जो एसक्यूएल व्यू होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, उसमें डेट एंड टाइम जो डेटा टाइप होता है, एक डेट डेटा टाइप, तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और उसके क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर रहा हूं और ये 2021 पे हम बात करेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 हमने ओपन किया है और यहां पर क्लिक करते हैं, ये जो आपको ब्लैंक डेटाबेस दिख रहा है यहां पर क्लिक करते हैं, इस तरीके का सिनेरियो आता है। अब जैसे ही ऐसा सिनेरियो आता है तो आप यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद इस टेबल को क्लोज कर दीजिएगा। और क्लोज करने के बाद यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद हमें कहां जाना है, क्वेरी डिजाइन पर। और क्वेरी डिजाइन पर आने के बाद यहां पर आ जाना है आपको एसक्यूएल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहां पे सेलेक्ट नजर आएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, पूरी की पूरी क्वेरी ही लिखनी है। तो यहां पर क्या करता हूं मैं, एक टेबल बनाता हूं। तो ये लिखा क्रिएट, अब चूंकि डाटाबेस तो हमने लिया ही हुआ है तो यहां डाटाबेस बनाने की जरूरत नहीं, और यहां पर टेबल बना देते हैं टीएबीएलई, और टेबल का नाम यहां पे देना है। तो जैसे मान लीजिए टेबल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक के नाम से टेबल है, ठीक है। और यहां पर अब डेटा टाइप की बात करेंगे, ठीक है, तो ईआईडी कर देते हैं, ईआईडी, ठीक है। तो यहां पर एक आईडी आएगी और इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा और इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं नॉट नल। प्राइमरी की इसे मैं बना दे रहा हूं, तो ये हो गया प्राइमरी की। कॉमा लगाएंगे और यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा आपका ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक नाम से टेबल हो गया, और यहां पे हम दे देते हैं परचेज डेट, PURCHASE परचेज अंडरस्कोर डेट, तो ये हो गया परचेज डेट। और इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, डेट, ठीक है। और फिर यहां कॉमा लगाएंगे और फिर यहां पे सेल्स डेट लिखेंगे, सेल्स अंडरस्कोर डेट, तो सेल्स लिख करके अंडरस्कोर लगा के डेट लिखिएगा, और यहां पर भी डेट डेटा टाइप लिखिएगा, और यहां पे बंद करके इसे टर्मिनेट करिएगा, और जैसे टर्मिनेट करते हैं रन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करते ही आपको ये सिनेरियो नजर आएगा, और जैसे ही यहां पे आप ईआईडी डालेंगे, जैसे मान लीजिए ईआईडी आपने डाल दिया यहां पे 12, ठीक है, और यहां पर जैसे ही आते हैं तो आपको ये कैलेंडर नजर आता है। ये खासियत है डेट डेटा टाइप की कि यहां पर आपको नजर आएगा कैलेंडर। तो यहां पे कैलेंडर में परचेस डेट आप जैसे मान लीजिए 1 फरवरी रख दिया, तो यहां पे सेल्स डेट आप दे सकते हो, सेल्स डेट क्या रखी, जैसे 7 फरवरी को सेल्स डेट रहा। फिर यहां पे ईआईडी चेंज किया हमने, अच्छा ईआईडी को क्या खाली छोड़ सकते हैं, तो मैंने नॉट नल लिखा था, तो यहां पे आप खाली छोड़ ही नहीं सकते। तो यहां लिखा हुआ है यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन इलेक्ट्रॉनिक ई, जो ई फील्ड है ईआईडी, उसमें आपको जो है कोई ना कोई वैल्यू तो एंटर करनी ही पड़ेगी न्यूमेरिकल, तो यहां 13 कर देते हैं। और देन यहां पर आते हैं, तो यहां पर परचेज डेट रही 3 फरवरी, यहां पे 3 फरवरी कर देते हैं, तो या 3 लिख देता हूं मैं। और सेल्स डेट रहेगी यहां पर, यहां पे जाके कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और सेल्स डेट 4 फरवरी। तो इस तरीके से आप डेट डेटा टाइप का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, और नॉट नल का क्या मतलब होता है यह भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।